हेलो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी इससे पहले हम कई वीडियोस इसकी अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप देखोगे तो होपफुली कि ये आपके लिए हेल्पफुल जरूर होंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन के लिए। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? तो SDLC का जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, या फिर इन्वेस्टिगेशन उसको बोल सकते हैं, एनालिसिस उसको बोल सकते हैं। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस तो फर्स्ट स्टेप होगा SDLC का। दूसरा होता है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टडी ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम रेफर्स टू? तो एग्जिस्टिंग सिस्टम, सिस्टम है, उस सिस्टम की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम की स्टडी को बोलते हैं सिस्टम एनालिसिस। देखिए, जो फिजिबिलिटी स्टडी होती है, फिजिबिलिटी स्टडी किसी प्रोजेक्ट को हम बनाने जा रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर को हम बनाने जा रहे हैं, उसकी एक स्टेप होता है, उसमें पता लगाया जाता है कि सॉफ्टवेयर बनने लायक है या नहीं है, उसकी कॉस्ट क्या, उसको बियर किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी और सिस्टम एनालिसिस कभी ना कहीं कंफ्यूज करेगा, लेकिन अगर सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, सिस्टम है हमारे पास, हम उसको एनालिसिस करना चाहते हैं, हम उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो इसी स्टेप को हम बोलेंगे सिस्टम एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट डज RAD स्टैंड्स फॉर? तो RAD एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC मॉडल है। इसकी फुल फॉर्म है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ RAD मॉडल इज? तो RAD मॉडल के जो मेजर ड्रॉबैक थे वो क्या थे? तो ये RAD मॉडल के जो मेजर ड्रॉबैक था, एक तो था कि इट रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स। RAD मॉडल पर काम करने के लिए हाईली स्किल्ड डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, इट इंक्रीजेज द कंपोनेंट रीयूजबिलिटी। तो ए और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पहला और तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मींस फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि एक तो हाईली स्किल्ड डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी इसमें, साथ के साथ इट इंक्रीजेज द कंपोनेंट रीयूजबिलिटी, तो कंपोनेंट रीयूजबिलिटी को ये बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल? तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल से इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सा मॉडल ऐसा है जो रिलेट नहीं करता है? तो ये सारे के सारे ऐसे हैं जो इससे रिलेट नहीं करते हैं, मीन्स इंक्रीमेंटल मॉडल, कंकरेंट डेवलपमेंट मॉडल, विन-विन मॉडल, स्पाइरल मॉडल, ये तीनों मॉडल अलग हैं, सेपरेट मॉडल हैं, इनका इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल से कोई मतलब नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द स्पाइरल मॉडल? तो देखिए, स्पाइरल एक SDLC मॉडल है, तो स्पाइरल मॉडल का जो मेजर ड्रॉबैक था वो क्या था? वो ये था कि डजेंट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, छोटे साइज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके साथ ये अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। तो इट डजेंट वर्क प्रॉपरली विद द स्मॉलर प्रोजेक्ट्स। तो 6 का 2 ऑप्शन करेक्ट होगा। मॉडल सेलेक्शन इज बेस्ड ऑन, तो देखिए, मॉडल को जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आपको बनाना, कोई सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना है, तो कौन सा मॉडल आपको चूज करना है, तो इस चीज़ के लिए हम किन किन चीज़ों पर ध्यान देंगे? तो हम देखो रिक्वायरमेंट पर ध्यान देंगे, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, प्लस हम देखेंगे हमारी टीम कैसी है, उस टीम के एसेट्स क्या हैं, उन टीम को किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या क्या नॉलेज है, ठीक है, प्लस उस सॉफ्टवेयर को यूज़र्स कौन होंगे, प्रोजेक्ट का टाइप क्या है, ठीक है, कितने क्या क्या उसके साथ रिस्क जुड़े हुए हैं, तो सारे के सारे फैक्टर्स हम लोग कंसिडर करेंगे। तो मॉडल सेलेक्शन करने के लिए हम इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर काम करेंगे। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? इन चारों में से, तीनों में से कौन सा ऑप्शन, चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो देखो, इसमें ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ RAD एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो देखो, RAD रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और प्रोटोटाइपिंग मॉडल, दोनों मॉडल क्या करते हैं, ये रीयूजबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं, मींस रीयूजबिलिटी ऑफ कंपोनेंट को बढ़ाते हैं। कौन? प्रोटोटाइपिंग मॉडल और रेड मॉडल, ये क्या है, इनमें करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जो ऊपर के दो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल डजेंट नेसेसिटेट डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स एट द अर्लीस्ट इन द लाइफ साइकिल? तो इनमें से कौन सा मॉडल ऐसा है जो लाइफ साइकिल की अर्ली स्टेट में रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फोकस नहीं करेगा? मींस लाइफ साइकिल अभी स्टार्ट हो रही है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो शुरू में ही उसको रिक्वायरमेंट की जरूरत हो, ऐसा कौन सा मॉडल है कि जिसको शुरू में रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है, रिक्वायरमेंट फेज की जरूरत नहीं होती है? तो ये होता है स्पाइरल मॉडल और प्रोटोटाइपिंग मॉडल। ये दोनों मॉडल ऐसे हैं जिनमें अर्लीस्ट फेज में लाइफ साइकिल के रिक्वायरमेंट डिफाइन ना भी करो तब भी ये काम करेगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द यूजर पार्टिसिपेशन इज नॉट इन्वॉल्व?
जब यूजर पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व नहीं है देन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स विल नॉट रिजल्ट इन द डिजायर्ड आउटपुट। अगर यूजर पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व नहीं है तो इनमें से कौन से मॉडल ऐसे हैं जो सही तरीके से डिजायर्ड आउटपुट नहीं देंगे, जो गलत आउटपुट देंगे, मतलब रॉन्ग आउटपुट देंगे। तो कौन कौन से दो मॉडल है, एक है प्रोटोटाइपिंग मॉडल एंड रेड मॉडल। तो प्रोटोटाइपिंग और रेड मॉडल ये कहता है कि भैया यूजर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अगर यूजर पार्टिसिपेशन नहीं है तब ये प्रोटोटाइपिंग और रेड मॉडल काम नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल विल बी प्रिफर्ड बाय ए कंपनी दैट इज प्लानिंग टू डिप्लॉय एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इन द मार्केट। तो ये देखिए, एक ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, उसका एडवांस वर्जन मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट रहेगा? तो देखिए, ऐसी सिचुएशन में ये दो मॉडल ठीक रहेंगे, इटरेटिव और रेड। ठीक है, इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल और रेड मॉडल, ये दोनों मॉडल काम करेंगे, तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। ठीक है, स्पाइरल यहाँ पर काम नहीं करेगा, एग्जिस्टिंग मॉडल यहाँ पर है उसका एनहांस वर्जन बनाना है, तो इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल प्लस आरईडी मॉडल, ये दोनों मॉडल यहाँ पर परफेक्ट रहेंगे, तो बी और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा एग्जाम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्वेश्चन अगर आप देखोगे एमसीक्यू बेस्ड, तो अक्सर इनमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इनमें एमसीक्यू जितने आप ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस इसमें ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे, बहुत सारे ऑप्शन उनके करेक्ट लगते हैं, सही लगते हैं, लेकिन आप जब लगाओगे तो अक्सर गलत हो जाते हैं। तो ये तभी अच्छा इम्प्रूव हो सकता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन 12 देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फॉर मेकिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बाई यूटिलाइजिंग 4GT। तो फोर्थ जनरेशन टेक्निक के ऊपर ये कह रहा है कि कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो इनको ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो देखिए ये ऑर्डर है, पहला ऑर्डर करेक्ट हो जाएगा, मींस सबसे पहले देखो आपने देखा भी होगा SDLC का ही मॉडल है, SDLC के स्टेप्स हैं ये। सबसे पहले जो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, उसके बाद डिज़ाइन स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगा, और लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन इनटू प्रोडक्ट होगा। ठीक है, मींस कि कौन सा वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, ये सबसे पहले जो है ये नंबर वन पोजिशन पर आएगा, कौन सा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसके बाद डिज़ाइन स्ट्रेटेजी नंबर टू पोजीशन पे आएगा, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन 3 पे आएगा, और ट्रांसपोर्टेशन इनटू प्रोडक्ट नंबर 4 पर आएगा। तो ठीक है, देख लीजिए आप इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 4132, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट करेंगे, उसके बाद डिज़ाइन स्ट्रेटेजी करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर ट्रांसपोर्टेशन इनटू प्रोडक्ट करेंगे, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉक्स एंड फंक्शनल प्रोसेसिंग। तो ये है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, 4GL, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में ऐसा होता है। 14 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंटेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का जो है सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, तो यह है गैदरिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे हैं, तो बेसिकली एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं यूजर की रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे हैं। तो गैदरिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए हम यूजर की रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। 15 देखते हैं, द प्राइमरी आउटपुट ऑफ द इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इन्फॉर्मेशन गैदरिंग या जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग या रिक्वायरमेंट वाला जो हमारा फेज है, तो बेसिकली उसका आउटपुट क्या होगा उस स्टेप का, तो उस स्टेप का आउटपुट होगा यूजर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, यूजर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, URD, यूजर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड ड्यूरिंग ए फिजिबिलिटी स्टडी। तो देखिए, जब फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, तो फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली क्या है, तो फिजिबिलिटी स्टडी एक स्टेप है SDLC का, जिसमें हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर की फिजिबिलिटी ठीक है या नहीं, मीन्स कि सॉफ्टवेयर क्या बनाने लायक है या नहीं है, क्या सॉफ्टवेयर जो बनाएंगे वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या सॉफ्टवेयर जो हम बनाने जा रहे हैं उसकी जो कॉस्ट लगेगी क्या वो निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी, ये सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं कि इसमें फिजिबिलिटी स्टडी में। तो ये कह रहा है कि फिजिबिलिटी स्टडी में इनमें से कौन सा फैक्टर्स नहीं होता है, तो ये डिज़ाइन वाला नहीं होता है। टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी होती है, लीगल होती है, ऑपरेशनल होती है, डिज़ाइन फिजिबिलिटी स्टडी नहीं होती है। 17 देखते हैं, पर्पज ऑफ द फिजिबिलिटी स्टडी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पर्पज फिजिबिलिटी स्टडी का क्या आता है, देखिए जब चार ऑप्शन दिए जाते हैं किसी क्वेश्चन के, तो ऐसा लगता है कि कई ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमें सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन को चूज करना होता है। तो यहाँ पर फिजिबिलिटी स्टडी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है 3rd, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। मीन्स कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो हम बनाने वाले हैं, जो उसकी फाइनेंशियल चीज़ें हैं, क्या वो उसको वो बियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या वो फाइनेंशियली प्रोडक्ट जो है वो ठीक रहेगा नहीं रहेगा, ये चीज़ एस्पेक्ट करना, इस चीज़ को चेक करना, ये हमारा मेन पर्पज़ होगा फिजिबिलिटी स्टडी का।
अब देखो ये सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल दे रखा है, तो एम एस ऑफिस, फोटोशॉप और एनी मैजिक आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, तो ये जो तीन सॉफ्टवेयर दे रखे हैं ये किस टाइप के हैं, तो मैंने आपको लास्ट पिछले सॉफ्ट वीडियोज़ में भी शायद ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया था कि सॉफ्टवेयर जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो किसी कंप्यूटिंग डिवाइस को चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो मशीन के ऊपर काम करते हैं, चलती हुई मशीन के ऊपर काम करते हैं, जैसे आपका जीमेल, आपका गूगल, आपका फेसबुक, आपका गेम कोई भी, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो देखिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, एम एस ऑफिस, फोटोशॉप, एनी मैजिक, ये सारे के सारे चलते हुए सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। तो एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, सिस्टम को चलाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जिससे सिस्टम चल रहा है वो एप्लीकेशन, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, और सिस्टम के ऊपर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, सिंपल सी बात है। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल में से कौन सा डिनोट करता है, तो देखो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, पहला ऑप्शन ठीक होगा, सबसे पहले एनालिसिस करेंगे, फिर डिज़ाइन करेंगे, फिर कोड करेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे, और फाइनली उसको ऑपरेशन और मेंटेनेंस में लेके जाएंगे, ये हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ, सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स, एंड व्हाट इज अ प्रोग्राम, प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन सॉफ्टवेयर एक्चुअली सिर्फ इतना नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया, इंस्ट्रक्शंस को लिखा, प्रोग्राम्स को बनाया, उनके कलेक्शन को सॉफ्टवेयर बोल दिया, ठीक है, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। सॉफ्टवेयर बनता है प्रोग्राम्स के साथ प्लस डॉक्यूमेंटेशन से और ऑपरेटिंग प्रोसीजर से, तब जाकर के कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनता है। तो यहाँ पर बी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। सो अभी हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, इस तरह से मैं और भी क्वेश्चंस बना करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और होपफुली ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए चलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।